सद्द सार सुरा असुरा। आपने सभी जानते होंगे कि ये सुरा पान करके आया है, या ये सुरा पान करता है, या ये सुरा के नशे में है। सुरा का मतलब आज की डेट में जो होता है वो होता है शराब। शराब को सुरा बोलते हैं। पुराने समय में इसको सुरा यानी नशीला जो पेय पदार्थ है वो बोला जाता था। और सुरापीत का मतलब है सुरा पीने वाला। और सुरा मेरे का मतलब है सुरा मेरे मध्य पमादित ठाना वेर मणि। आपने पंसिल में हर बार आप इसे लेते हैं। सुरा मेरे का मतलब है नशीला पदार्थ, और मेरे का मतलब होता है कुछ और भी नशीले पदार्थ लिक्विड के अलावा। मेरे का मतलब ऐसा होता है। तो सुरा जो होता है, जो लोग उसका पान करते हैं उनको बोलते हैं सुर, और जो लोग उसको नहीं पीते हैं उनको बोलते हैं असुरा या असुर। यानी कि सुरा का जो अपोजिट वर्ड है शराब और ना शराब का मतलब है असुरा। और शराब पीने वालों को बोलते हैं सुरा, पीने वालों को बोलते हैं सुर, और ना पीने वालों को बोलते हैं असुरा। भारत के अधिकतर लोग असुरा लोग हैं, क्योंकि यहाँ सुरा नहीं होती थी। सुरा जो शब्द है ये बाहर से आया हुआ शब्द है, और सुरा का पान का सेवन यहाँ नहीं होता था, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म थी और यहाँ खाने पीने के बहुत ज़्यादा सामान थे। जो लोग बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और आज भी रहते हैं, उनके लिए मांस और सुरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुरा उनके सेंसेस को कमज़ोर करके रखता है। सुरा का और कोई फ़ायदा नहीं है, एक वो एनर्जी देता है तुरंत मगर लीवर पर इफेक्ट डालता है। और मांस उनको चाहिए, हाई प्रोटीन मांस चाहिए, ताकि वो ठंड से लड़ सकें, ये शरीर की आवश्यकता होती है। तो जो पर्वतों से लोग उतर के नीचे आए भारत में, उन्होंने यहाँ सुरा पान करना शुरू किया। वही लोग यहाँ के सुर थे, और यहाँ चूंकि सुरा पान का जो लोग नहीं करते थे वो असुर थे। तो असुर भारत के मूल निवासी हैं, और सुर जो लोग हैं वो पहाड़ों से उतर के नीचे जो आए हुए लोग हैं उनको कहते हैं। धन्यवाद। महा इसी असुर, महिषासुर को अगर हम तोड़ेंगे तो तीन भाग बनते हैं। पहला भाग है महा, दूसरा है इसी, और तीसरा है असुर। महा माने पाली में होता है बड़ा, इसी माने होता है ऋषि, ज्ञानी, जो जानकारी रखता है, जो ध्यान करता है, साधना करता है, तप करता है और चीज़ों के बारे में जानता है। और असुर का मतलब है मूल निवासी, यानी जो शराब नहीं पीता, जो नशा नहीं करता। इन तीनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है महिषासुर। इस प्रकार बहुत सारे असुर शब्द हैं जो इससे मिलकर बने हुए हैं। सुरा सौंग का मतलब है शराबी। पाली में जो सुरा सौंग जिसको बोलते हैं उसका मतलब है आज की डेट में शराबी, या संस्कृत में बोलेंगे तो वो है सौंडिक। धन्यवाद।